गुरु बिना ज्ञान, ज्ञान बिना भक्ति, भक्ति बिन कल्याण नहीं। श्रद्धा और विश्वास बिना कभी मिलते हैं भगवान नहीं। गुरु बिना ज्ञान, ज्ञान बिना भक्ति, भक्ति बिन कल्याण नहीं। श्रद्धा और विश्वास बिना कभी मिलते हैं भगवान नहीं। जब तक अपने दिल के अंदर बुरी भावना रहती है, जब तक अपने दिल के अंदर बुरी भावना रहती है, तब तक ही ये अमर आत्मा महाकष्टों को सहती है। सच्चा सुख हरगिज नहीं मिलता, होता जब तक ज्ञान नहीं। सच्चा सुख हरगिज नहीं मिलता, होता जब तक ज्ञान नहीं। श्रद्धा और विश्वास बिना कभी मिलते हैं भगवान नहीं। श्रद्धा और विश्वास बिना कभी मिलते हैं भगवान नहीं। गुरु बिना ज्ञान, ज्ञान बिना भक्ति, भक्ति बिन कल्याण नहीं। श्रद्धा और विश्वास बिना कभी मिलते हैं भगवान नहीं। देता दोष फिरे कलयुग को हर दम बुरे कर्म करे, देता दोष फिरे कलयुग को हर दम बुरे कर्म करे। लाखों मन की चोरी करके एक रती भर धर्म करे। वेद शास्त्र सब ऐसा कहते, ये कोई पुण्य धर्म नहीं। वेद शास्त्र सब ऐसा कहते, ये कोई पुण्य धर्म नहीं। श्रद्धा और विश्वास बिना कभी मिलते हैं भगवान नहीं। गुरु बिना ज्ञान, ज्ञान बिना भक्ति, भक्ति बिन कल्याण नहीं। श्रद्धा और विश्वास बिना कभी मिलते हैं भगवान नहीं। कंठी माला पहन गले में फूला नहीं समाता है, कंठी माला पहन गले में फूला नहीं समाता है। लोग दिखावा करके जो भाई मान बड़ाई चाहता है, पर निंदा करने की अपनी छोड़ी बान कुबान नहीं। पर निंदा करने की अपनी छोड़ी बान कुबान नहीं। श्रद्धा और विश्वास बिना कभी मिलते हैं भगवान नहीं। गुरु बिना ज्ञान, ज्ञान बिना भक्ति, भक्ति बिन कल्याण नहीं। श्रद्धा और विश्वास बिना कभी मिलते हैं भगवान नहीं। निर्मल कर ले तेरी आत्मा जैसे गंगा की धारा है, निर्मल कर ले तेरी आत्मा जैसे गंगा की धारा है। कण कण में है व्यापक ईश्वर, दिखे श्री जन हारा है। ईश्वर अंश है तेरी आत्मा, पर तुझको पहचान नहीं। ईश्वर अंश है तेरी आत्मा, पर तुझको पहचान नहीं।
श्रद्धा और विश्वास बिना कभी मिलते हैं भगवान नहीं। गुरु बिना ज्ञान, ज्ञान बिना भक्ति, भक्ति बिन कल्याण नहीं। श्रद्धा और विश्वास बिना कभी मिलते हैं भगवान नहीं। सद्गुरु महाराज की जय। तो आइए राज्य के छोटा सा भजन आपको सुनाता हूँ। राज्य का भजन करो, राज्य है हमारा। गाइए, राज्य का भजन करो, राज्य है हमारा। पिया का भजन करो, पिया है हमारा। पिया का भजन करो, पिया है, ओ पिया है हमारा प्यारे, धनी है हमारा। पिया है हमारा प्यारे, धनी है हमारा। पिया है हमारा प्यारे, पिया है हमारा प्यारे, धनी है हमारा। राज्य का भजन करो, राज्य है हमारा। पिया का भजन करो, पिया है हमारा। सुख दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ। सुख दुख भोगे जाओ, लेखा सब मिटाते जाओ। यही है वो करुणा सिंधु, यही है वो करुणा सिंधु, यही तो सहारा। राज्य का भजन करो, राज्य है हमारा। पिया का भजन करो, पिया है हमारा। कोई कहे सीता रामा, कोई घन श्याम। कोई कहे सीता रामा, कोई घन श्याम। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे राधे श्याम, कोई राज श्याम। राज्य का भजन करो, राज्य है हमारा। पिया का भजन करो, पिया है हमारा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कहिए। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कहिए। राज श्याम राज श्याम, राज श्याम राज श्याम, राज श्याम कहिए। राज्य का भजन करो, राज्य है हमारा। मैंने श्याम से वरदान एक ही मांगा है, मैंने श्याम से वरदान एक ही। आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। चिदादित्यं किशोरांगं परे धाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानंदं निर्विकारं सनातनं। वंदो सतगुरुचरणको करुं सुप्रेम प्रणाम अशुभहरण मंगलकरण श्रीदेवचंद्रजीनां श्रीप्राणनाथ निजमूलपति श्रीमेहराज सुनाम। तेजकुमारी श्यामा युगलको पल पल करुं प्रणाम। तेजकुमारी श्यामा युगलको पल पल करुं प्रणाम। उपस्थित सभी सुंदर साध जी, आज हम लोग यमुना नगर में श्री राम निवास जी
और मीरा देवी जी के निवास स्थान में परिवार के सभी सदस्यों के साथ कुछ देर सत्संग करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। क्योंकि संत गुरुजनों का आगमन होता है और संत गुरुजन दो शब्द सुनाते हैं तो उसका एक पॉजिटिव वाइब्रेशन पूरे घर में फैलते रहता है। घर में सत्संग कराते हैं तो सत्संग में जो भजन गाए जाते हैं या शब्द उच्चारण होते हैं वो सत्य के शब्द होते हैं, धर्म के शब्द होते हैं, अध्यात्म के शब्द होते हैं, दर्शन के शब्द होते हैं, इसलिए उसका सकारात्मक असर होता है। और कभी कभी आप देखिए कि कहीं कहीं लड़ाई झगड़ा आदि आदि में जो शब्द बोले जाते हैं उनका नकारात्मक असर होता है, नेगेटिव उसका असर चला जाता है। इसलिए हम घर को मंदिर बनाने के लिए प्रयास करें तो घर में भजन चलता रहे। जैसे आप देखिए कई घरों में हम जाते हैं तो कोई धुन कोई भजन बजाते रहते हैं, प्रातः काल तो बजाते ही हैं, तो उससे क्या होता है कि घर में एक सकारात्मक विचार का विस्तार होता है, परमात्मा के नाम और यश का गुणगान होता है। कोई भी गा रहा है परंतु उसका असर तो सब पे आता ही आता है। और हम लोग सुबह सेवा पूजा भी गाते हैं बोलते हैं, उसका भी असर दिन भर रहता है। जैसे कैसे असर रहता है कि हम लोग सुबह नाश्ता करते हैं तो 2 बजे तक उसका असर होता है, 2 बजे के बाद फिर लगता है कि कुछ भूख लगने वाली है। तो इसी तरह से सुबह पूजा करते हैं तो उसका दोपहर तक, जब कई परिवार में दोपहर में भी भोग लगाते हैं, कई परिवार में सुबह और शाम ही करते हैं, तो उसका असर सुबह सुबह पूजा की तो शाम तक उसका असर, शाम को पूजा की तो पूरी रात उसका असर, ये ऐसी चीज है। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने भक्ति करने के लिए 3 तरीके बताए हैं। ये सबसे कठिन तरीका है जो परमहंसों के लिए, महात्माओं के लिए, महात्मा भी जो संस्थाएं नहीं चलाते हैं केवल माला जप करते हैं उनके लिए है कि श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने न श्वास को फिर आवन होए न होए। हर श्वास निज नाम का जाप करो, कोई और काम जिम्मेदारी में है ही नहीं तो राजस्यमा 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 करते रहो, श्वास को सफल करो, ऐसे प्राणनाथ जी महाराज का आदेश हुआ। ये सुनना अच्छा लगता है पर प्रैक्टिकली विचार करेंगे तो संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि 1 मिनट में 15 बार श्वास का आना जाना होता है। 15 बार हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो 15 बार राजस्यमा हमको करना पड़ेगा हर श्वास निज नाम का जाप करने के लिए। और 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेते हैं हम लोग शास्त्रों के हिसाब से, तो 21,600 बार परमात्मा का नाम लेना पड़ेगा। ये बहुत जटिल है, कठिन है, क्योंकि हम लोग सोते भी हैं, भोजन भी करते हैं, नहाते धोते भी हैं, गपशप भी करते हैं और रसोई घर में भोजन भी बनाते हैं, तो उसमें और काम में भी संसार में है तो अतिरिक्त काम भी करना पड़ता है। राज्य का नाम लेकर के बैठे रहने से भी पेट नहीं भरता है तो कुछ कमाई धंधा नौकरी आदि करना ही पड़ता है। इसलिए प्राणीनाथ जी ने इस नियम को और सरल बना करके उन्होंने कहा कि उठते बैठते खाते पीते सोवत सुपन जागृत, दम न छोड़े मासुक का जाकी असल हक निस्वत। कहा श्वास श्वास नहीं कर सकते हो तो दूसरा उन्होंने थोड़ा सरल नियम बता दिया कि सुबह उठते उठते परमात्मा का नाम लो। ये ऐसे नहीं होता है, भूल ही जाते हैं क्योंकि नींद हमको सब भुला देती है और उठते ही परमात्मा का नाम लेना है, हमको याद ही नहीं रहता है, कभी उठने के थोड़ी देर बाद, कभी आधा घंटा के बाद, कभी 10-15 मिनट के बाद हम सोचते हैं कि हो हमने नाम लिया ही नहीं जबकि उठते ही उनका नाम लेना था। तो ये अभ्यास से होता है, अभ्यास होने से फिर अपने आप ही निकलता है, वो बोलना नहीं पड़ता है, खुद ब खुद वो चौपाई निकलने लग जाती है, परमात्मा का स्मरण होता है। फिर बैठते हुए किसी आसन में बैठते हुए भी राजस्यमा बोल करके बैठना और
भोजन की थाली आ जाए तो राज्य को भोग एक चौपाई बोल करके वो भोजन शुरू करना, क्योंकि कई कई लोग भोजन आते ही सीधा ही खाना शुरू कर देते हैं। पर किसने ये भोजन हम तक लाया, अन्न किसने पैदा किया? देखिए धरती में तो मिट्टी और पत्थर है, पर उस मिट्टी पत्थर में से पौधे उग उग करके उसमें से हमें अन्न दे रहे हैं। तो परमात्मा की कैसी लीला, कैसी कृपा, कैसे प्रकृति को उन्होंने सजाया कि सब प्रकृति में जो पांच तत्व एक समान है पर सब फल का स्वाद अलग अलग है। आप देखिए फूल का रंग अलग अलग है, फूल की सुगंधी अलग अलग है, आप कैसे विचित्रता इस पृथ्वी के अंदर है। पानी का स्वाद भी अलग अलग हो जाता है कई जगह जाने से, और आप देखिए दुनिया के अंतर्गत विविधताएं अनेक है, सब एक ही माँ के बच्चे हैं, सबका चेहरा अलग अलग होता है, स्वभाव अलग अलग होता है, विचित्रता इस संसार के अंतर्गत। तो ये सब परमात्मा की विविध लीलाएं हैं, इसलिए हमें उनको याद करना है कि आपने हमें अवसर दिया, दुनिया में आने का अवसर दिया और दुनिया देखने का मौका आपने दिया, दुनिया का नजारा आपने दिखाया, और नजारा देखने के लिए नजर देने वाले भी आप ही हैं। नजरे नजारा देखती है बोलते हैं ना, नजारा देखने के लिए नजर चाहिए। कई कई लोगों के पास नजर भी नहीं है बेचारे, पर परमात्मा की कृपा है कि हमें नजर उन्होंने प्रदान किया, इसीलिए नजर से दुनिया को हम अच्छी तरह देख सकते हैं। तो हमारा काम है कि फिर उनको याद करके भोजन करना कि इतना अन्न आपने पैदा किया, जात जात के अन्न पैदा किया, उसका स्वाद हम ले रहे हैं, तो उनको याद करके ग्रहण करना। फिर खाते पीते कहते हैं जल का प्याला आ जाए तो भी उनको याद करके, याद करने में बहुत वक्त नहीं लगता, एक सेकंड बार में हम याद कर सकते हैं। तो सोवत सुपन जागृत, फिर कहते हैं सोने से पहले भी उनको याद करके सोना, और ऐसे करोगे तो स्वप्न में भी कभी दिखलाई देते हैं। कभी कभी ऐसे स्वप्न आते हैं कि हम कहीं सत्संग कर रहे हैं, कोई मंदिर दर्शन कर रहे हैं, कोई गुरुजनों के सामने बैठे हैं, मंदिर में परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं, ऐसे स्वप्न आ जाते हैं। क्योंकि स्वप्न तो दिन भर जो करते हैं उसी का तो एक असर दिमाग में जाता है जो स्वप्न के रूप में परिणत होता है। तो इस तरह से फिर जागने के बाद वही क्रम जारी रखो, ये दूसरा नियम प्राणनाथ जी ने बताया। सबसे कठिन श्वास, श्वास निज नाम जपो, फिर खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, मतलब हर कार्य के शुभारंभ में उनको याद करना। इससे भी सरल और एक उपाय उन्होंने बताया है, संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे दास, मनसा बाचा कर्म ना श्री जुगल चरण की आस। कहते हैं दो संध्या में सुमिरन करो, प्रातः काल रात गई और दिन उग रहा है तो उसको संध्या काल बोलते हैं ना, दो परिवर्तन आ गए वहां, रात जाने का और सूर्योदय होने का एक परिवर्तन आया, वो संधि को संध्या बोलते हैं। तो प्रातः काल सुबह होते होते नहा धो करके परमात्मा की पूजा आरती भोग ध्यान चिंतन परमात्मा का ये सब करना, तो संध्या का इस प्रातः कालीन संध्या कालीन पूजा हो गई। फिर शाम को भी संध्या की वेला में हम उनको याद करें कि अब दिन निकल गया है, रात शुरू हो रही है, इसीलिए हे परमात्मा इस संध्या में जीवन की भी संध्या आ रही है, तो जीवन की संध्या आने से पहले ये दिन की संध्या में हम आपको याद करके जीवन की संध्या को भी सफल करना चाहते हैं। तो ऐसा सोच करके दो संध्या काल में परमात्मा का सुमिरन करना और भजन भरोसे दास, उनका भजन गा करके उनके भरोसे हो जाना, क्योंकि हम अपने भरोसे रहेंगे तो सुख दुख का भोग खुद को ही भोगना पड़ता है। उनके भरोसे हो जाने से करने कराने वाले वही हैं, सुख भी उनका दिया हुआ, दुख भी उनका ही है, जो कुछ भी है ये संसार का खेल उनका ही दिखाया हुआ है, ऐसा सोच करके उनके भरोसे हो जाना। तो भजन भरोसे दास कहते हैं। तो देखिए दुकान में आप देखिए एक मैनेजर होता है, एक मालिक होता है ना, मैनेजर को पुरानी भाषा में मुनीम भी कहते हैं। तो एक मुनीम होता है, एक मालिक होता है। तो शाम को जब दुकान बढ़ाने लगते हैं तो उस समय दिन भर जो व्यापार हुआ वो मुनीम भी गिनता है, मालिक भी गिनता है। तो मुनीम गिनता है तो गिन करके मालिक को दे देता है, नफा व नुकसान हो
वो बही खाता में लिख देता है, कैशबुक में लिख देता है, तो वो तो अपना घर चला जाएगा। नफा हो नुकसान हो सिर पे लेकर के वो नहीं जाता है, क्योंकि नफा हुआ तो मालिक का हुआ, नुकसान हुआ तो मालिक का हुआ। मुझे तो जो तनख्वाह उसने निश्चित किया है वो मुझे उतना ही पाना है, ऐसा मुनीम सोचता है। और मालिक जो है वो नफा होने से खुश होता है, नुकसान होने से दुखी भी हो जाता है, और रात को सो भी नहीं पाता है कभी। ये सब चीज मालिक में असर आता है। इसलिए प्राणनाथ जी ने छत्रसाल को कहा, जब प्राणनाथ जी यात्रा करते हुए जामनगर से चल करके बुंदेलखंड पन्ना आए, और राजा छत्रसाल को उन्होंने शिष्य बनाया, तो छत्रसाल जी को कहा कि छत्रसाल ऐसे राज करो, क्योंकि छत्रसाल जी ने कहा कि मैं सक्षम राजा नहीं हूं, थोड़े से पन्ना और ये मऊ और ये थोड़े क्षेत्र को मैंने स्वतंत्र किया मुगलों के पंजे से, परंतु मैं, मेरे पास धन भी नहीं है और शक्ति भी नहीं है, सेना बल भी नहीं है। इसीलिए प्राणनाथ जी आते ही उनको गुरु बना करके आपके चरणों में सुपुर्द करता हूं, आप इसका संचालन कीजिए। तो प्राणनाथ जी ने कहा छत्रसाल, अगर राजनीति करनी होती और देश का ही काम करना होता तो मैं भी जामनगर का दीवान था, मैंने उसको छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ करके मैं आया हूं, तो तेरे इस राज्य संपत्ति को तुमने जो मुझे चढ़ाया है मैं तुझे ही बख्शिश करता हूं, तुमको ये चलाना है, पर ऐसे चलाओ कि मैंने गुरु को सौंपा है, इसलिए ये सब गुरु का है, मेरा सोच करके चलाओगे तो सुख दुख के चक्कर में पड़ोगे, तुम गुरु का है ऐसा सोच करके चलाओगे तो सुख दुख का चक्कर नहीं होगा, नफा नुकसान की जिम्मेदार भी गुरु ही रहेंगे, तुमको बहुत चिंता नहीं होगी। तो छत्रसाल जी ने उसी तरह से बुंदेलखंड का राज्य किया। बाद में तो प्राणनाथ जी का आशीर्वाद मिला तो पूरे बुंदेलखंड को उन्होंने स्वतंत्र करके स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी, और बढ़िया से प्रजाओं को सुखी रख करके उन्होंने राज्य का संचालन किया। तो ये एक क्या है कि उदाहरण हम लोग प्राणनाथ जी के वाणी से और बीतक से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग भी कोशिश करें कि ये व्यापार बंद जो कुछ है परमात्मा का दिया हुआ है, और हम निमित्त बन करके कार्य कर रहे हैं, ऐसा सोच करके हम चलेंगे तो हम चिंता टेंशन खुद लेकर के नहीं चलेंगे, परमात्मा ही करने कराने वाले हैं, वही सब कुछ ठीक करेंगे, सही करेंगे, अच्छा करेंगे, ये सोच करके हम लोग चलते हैं। तो ऐसे ही एक उदाहरण मिलता है राजा जनक के जीवन में, ऐसा उदाहरण मिलता है कि जनक के राज्य में अष्टावक्र जी चल करके आए, जनक को एक स्वप्न आया राज्य में, तो वो तो तब तो राजा लोग तो पलंग भी सोने का हो उसके जो है ना पलंग के जो भी उसके वहां पर होते हैं ना, पहले तो पहिए होते हैं नीचे चार, वो भी सोने का मड़ा हुआ, और ऊपर डंडे भी सोने के मड़े हुए, ये सब में राजा लोग सोते थे। तो ऐसे पलंग में राजा जनक सोए हुए थे, और उस समय ये बिजली की व्यवस्था नहीं थी तो पंखा हाथ से ही करते थे, दास दासियां महाराज सो रहे हैं बोल के पंखा किया करते थे, तो ऐसे पंखा भी वो लोग झल रहे हैं और राजा मस्ती से सोए हुए, पर उनको स्वप्न आया कि दूसरा कोई राजा ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, और अपनी सेना को लेकर के लड़ने लगे तो हार गए, हारने के बाद दूसरे ने उनका राज्य कब्जा कर लिया और इनको देश निकाला कर दिया। देश निकाला किया तो ये सोचने लगे अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, खाने को भोजन भी नहीं है, मैं भूखा हूं प्यासा हूं, क्या करूं। तो एक जगह एक सेठ जी बैठे हुए थे और वो सदा व्रत खोल करके बैठे थे, दाल चावल आटा नमक हल्दी दे देते थे, कोई किसी को जरूरत है तो तुम ले लो, तो एक हंडी भी देते थे तो हंडी में खिचड़ी बनाओ खाओ, ऐसा करके सेठ जी ने दिया। तो राजा जनक ने भूखे क्या करेंगे वो ले लिया, उन्होंने ले करके फिर जो जहाँ गैया चरती हैं सूखे हुए गोबर कहते हैं उसको उन्होंने इकट्ठा किया, उसको जला करके तीन पत्थर रख करके उस हंडी में उन्होंने खिचड़ी बनाना शुरू किया, खिचड़ी पकने के बाद खाएंगे। तो ऐसे सोच ही रहे थे कि दो सांड जूझते हुए आए, एकदम नजदीक आ गए, कहीं मेरी खिचड़ी में तो ये कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, तो ये जूझते जूझते एक सांड का पांव उसी
हंडी में चला गया और वो हंडी भी वहीं तत्काल फूट गया, खिचड़ी भी स्वा आग भी बुझ गई, हाय मैं भूखा ही रह गया। ऐसा करते हैं तो फट से बिस्तर में जागते हैं, देखते हैं सब पंखा कर रहे हैं। दास दासियां पूछती है, महाराज गाड़ी नींद आ गई आपको क्या, आप अचानक जागे? तो राजा जनक ने कहा कि इन लोगों को बता के क्या करना, ये तो दास और दासियां हैं, इनकी बहुत ज्यादा अक्ल भी नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने फिर क्या किया कि अपने दरबार में जो पंडित लोग आते थे, पुरोहित लोग आते थे, ज्योतिषी लोग आते थे, उनको बुला करके उन्होंने पूछना शुरू किया कि ये सत्य है कि वो सत्य है। आज मैं राजा हूं, मेरे पास वैभव है, संपत्ति है, सुख है, और वो स्वप्न मेरे को आया कि मैं हार करके, मेरे पास कुछ नहीं था, खाने को भी नहीं था, भूखा प्यासा मैं था, वो सत्य है कि ये सत्य है? तो कुछ पंडित जी अब स्वप्न की बात तो बताते ही नहीं है, तो कुछ पंडित जी बोलते हैं ये सत्य है, तो उनके मन में आता है ये सत्य है तो वो क्यों स्वप्न आया। कोई कहते हैं वो सत्य है तो बोलते हैं फिर मैं आज ये सुख में क्यों हूं। तो ऐसे करते करते उन्होंने कहा कि जब तक सही जवाब कोई नहीं देगा तो सब पंडितों को दरबार में बंदी बना करके रखा जाएगा, घर जाने नहीं दिया जाएगा। तो नए नए और आते थे तो एक अष्टावक्र जी आए, आठ जगह से टेढ़े थे, वो आए और जब जनक राजा ने प्रश्न किया तो पहले वाले पंडित भी वही बंदी बने हुए थे, कोई नया क्या जवाब देगा सुनने के लिए। अष्टावक्र जी ने राजा जनक को जब कहा कि आपका क्या प्रश्न है, ये सत्य है कि वो सत्य है? अष्टावक्र जी ने कहा, राजा जनक न ये सत्य है न वो सत्य है, सत्य इन दोनों से परे है। तो राजा जनक को लगा ये बढ़िया उत्तर है, क्योंकि आज मैं ये हूं तो हमेशा तो मैं रहूंगा नहीं, और मैंने वो भिखारी का स्वप्न देखा वो भी सही नहीं था, तो वो भी स्वप्न हुआ, ये भी एक दिन स्वप्न हो जाएगा, तो सत्य इन दोनों से परे, इसका मतलब उस सत्य की खोजी करनी चाहिए। तो कहा, आप मेरे गुरु हैं अष्टावक्र जी, इन दोनों से परे जो सत्य है वो सत्य के विषय में मुझे कुछ बताइए। तो उन्होंने उनको ज्ञान दिया जिसको अष्टावक्र गीता कहा जाता है, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया तो श्रीमद् भगवद् गीता कहा जाता है ना, तो ये अष्टावक्र गीता करके कहा जाता है, वो भी हम लोग कहीं कहीं धार्मिक पुस्तकालय में हम लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उन्होंने सत्य का परिचय दिया, सत्य ब्रह्म है और ब्रह्म का धाम ही सत्य है, इस रूप में उन्होंने परिचय दिया है। तो जीवन के अंतर्गत आप देखिए कि उसके बाद राजा जनक राज्य तो करते रहे गुरु का ज्ञान पाने के बाद भी, पर उन्होंने सोचा कि ये सब गुरु ने ज्ञान दिया इसलिए गुरु को ही अर्पण है, मैं केवल निमित्त बन करके ये कार्य कर रहा हूं। तो कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा कि युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं थे अर्जुन, तो कृष्ण ने गीता का ज्ञान दे करके युद्ध लड़ने के लिए उनको पक्का किया, फिर कहा कि निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, ऐसा करके गीता में कहा, हे सभ्य साचिन मतलब अर्जुन तुम निमित्त बन जाओ, युद्ध मैं करूंगा, खड़ा तुमको होना है, चेहरा तुमको दिखाना है, शक्ति मेरा प्रयोग होगा। तो ऐसे ही हम लोग भी जीवन में परमात्मा करने कराने वाले हैं, मैं खड़ा हूं खेलने के लिए, मैं खड़ा हूं परंतु शक्ति देने वाले परब्रह्म परमात्मा ही है, एक एक श्वास हमको दे रहे हैं ये भी उनकी कृपा है, नहीं तो एक श्वास निकलने के बाद फिर दोबारा श्वास आए न आए इसका भी कोई भरोसा नहीं है, परंतु हम वर्षों की सोच लेते हैं, वर्षों के लिए एग्रीमेंट भी किसी के साथ कर लेते हैं, ऐसा हम सोचते हैं कि हम कई सालों तक जिंदा रहेंगे। तो ये जिंदा रहने के लिए हमारे पास भरोसा कहाँ से आया कि हम उनके भरोसे हैं, इसलिए वो हमें सही सलामत रखेंगे, कुशल रखेंगे, हम कई सालों तक जीवित रहेंगे और अच्छा अच्छा काम करते चलेंगे, सुबह सुबह कार्य करेंगे। तो इसी को भजन भरोसे दास कहता है, हम भजन करते हैं उनके भरोसे हो जाते हैं और वो हमारी रक्षा करते हैं। तो शास्त्रों में पुराणों में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं, और प्राणनाथ जी महाराज की वाणी और बीतक में छत्रसाल जी का बड़ा भारी उदाहरण मिलता है कि प्राणनाथ जी के भरोसे वो हुए तो हर प्रकार से सबल सक्षम समर्थ
शासक के रूप में छत्रसाल जी परिचित हुए। तो हम लोग छत्रसाल जी राजा जनक का तब बड़ा बड़ा उदाहरण है, हम लोग उसमें छोटे उदाहरण में हम लोग आते हैं, फिर भी हम लोग भी उसी आस्था उसी विश्वास उसी श्रद्धा के साथ हम लोग भी परमात्मा के भरोसे होकर के जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहेंगे। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। इसलिए भजन गायकों ने ये गा करके हमें सुनाया कि हे परमात्मा, मेरे जीवन की गाड़ी तेरे भरोसे है, तू जान और तेरा काम जाने। तो ऐसे भरोसे होकर के हम लोग दो बार उनको याद करके कार्य करेंगे तो उसका असर हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा हमारे ऊपर असर बना रहेगा। और सबसे सरल भक्ति ये दो संध्या की भक्ति है, बाकी तो कठिन कठिन जटिल जटिल और भक्ति तो आगे बढ़ते चलो तो और मुश्किल, पार पाना संभव असंभव ऐसे भी भक्तियां बताई गई है। पर सरल से सरल भक्ति है शाम सुबेरे उनको याद करके दिन भर सत्कर्म करना, कमाई करना, धंधा करना, मेहनत करना, पुरुषार्थ करना और शाम सुबेरे उनको भज करके उनके भरोसे हो जाना, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो आज आप सबके बीच यहाँ पर अब मंदिर में कार्यक्रम था तो आपके घर में भी आने का ये सुखद और सुंदर अवसर मिला। माता जी की भी हार्दिक इच्छा थी कि घर में आप आए रहें, तो इस बार रहने का मौका मिला। और हम लोग साधु संतों का ये नियम होता है कि कहीं भी भोजन करते हैं तो भजन भी कर लेते हैं, क्योंकि भोजन शरीर का खुराक है, भजन आत्मा का खुराक है। तो शरीर को आहार मिलता है तो हम लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, भजन करके आत्मा को भी आहार मिले तो संतुष्ट होते हैं। और परिवार में भी यही शिक्षा देते हैं कि आप लोग भी शरीर के आहार के साथ आत्मा का आहार भी किया करें, पूजा पाठ जप ध्यान किया करें, ताकि आत्मा भी खुश हो शरीर भी खुश हो, अंदर बाहर से हम खुश रहें। यही जीवन का मूल्य, यही जीवन का अर्थ और यही जीवन का रहस्य है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी के इस चर्चा को विराम देते हैं। हम सब मिलकर के सदा आनंद मंगल में रहिए गाएंगे, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल महा प्रसाद और चरणामृत, महा प्रसाद और चरणामृत, ये सुख साथ में आई वाला, ये सुख साथ में पाइए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, ईशक सोराहे प्रेम का प्याला, ईशक सोराहे प्रेम का प्याला, अंतर आत्म छके रहिए वाला, अंतर आत्म छके रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। तन सोए रोहनी सदिन जागे, तन सोए रोहनी सदिन जागे, श्री धाम धनिक चरणों में रहिए वाला, प्राण पति के चरणों में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए।
अष्ट प्रहर दिन चौसठ घड़िया, अष्ट प्रहर दिन चौसठ घड़िया, निश दिन राज 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 ये वाला निश दिन पियो 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 कहिए सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। छत्र साल भजो धाम धनी की को महाराजा भजो प्राण पते जी को, और देवन सो क्या चाहिए बल और देवन सो क्या चाहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। लाल की जय, प्यारी की जय, धनी की जय, प्रणाम।